नापाक पाकिस्तान ने एक बार फिर जवान के शव के साथ बर्बरता की है। दरअसल बीते मंगलवार को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में की गई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी अवस्था में लापता हो गया, जिसका शव देर शाम बीएसएफ को क्षत विक्षिप्त स्थिति में मिला। पाकिस्तान की कायर हरकत के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बीएसएफ जवान के शव के साथ बर्बरता किए जाने पर बीजेपी ने एक बार फिर अपने कड़ी निंदा वाले परमाणु हथियार से पाकिस्तान पर वार किया है। बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। कश्मीर में पंचायत घरों को जलाने पर जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने अलगाववादियों को आड़े हाथों लिया है। अनिल शर्मा ने कहा कि अलगाववादी नहीं चाहते कि रियासत में पंचायत चुनाव हो, जिस वजह से पंचायत घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में आगामी निकाय और पंचायती चुनावों में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला आया है। बता दें, सरकार ने उम्मीदवारों का 10 लाख का बीमा कराए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही राज्यपाल सतपाल मलिक ने दावा किया है कि चुनाव में डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौधरी लाल सिंह ने एक बार फिर रियासत में दो उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। लाल सिंह ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को संवैधानिक तरीके से बनाया जाए ताकि उनके पास संवैधानिक फैसले लेने की पावर हो। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर उधमपुर में स्कूली छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूली छात्रों ने बताया कि रैली के जरिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि देश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आर्मी के मेजर गोगोई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सेना ने उनको इकाई से हटाकर स्थानीय फॉर्मेशन मुख्यालय भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सेना ने उन्हें स्थानीय फॉर्मेशन मुख्यालय से अटैच कर दिया है ताकि उन पर आरोपों पर सुनवाई हो सके। कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर ताल ठोक दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनावों को लेकर तैयार है और इन चुनावों पर उनकी नजर उम्मीदवारों की सुरक्षा पर रहेगी, और अगर कहीं भी उनकी पार्टी को लगा कि उम्मीदवारों की सुरक्षा खतरे में है तो फिर कांग्रेस कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कश्मीर में पत्थरबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। आज मुहर्रम के जुलूस के दौरान कश्मीरी पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि पत्थरबाजों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई पत्थरबाजों को हिरासत में भी लिया।